और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये पूरा रिजल्ट सीजन मार्केट प्रोबेबली विल वेट एंड वॉच, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद बाजार ये थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा फॉर सम मोर टाइम, मे बी 1-1.5 मंथ टिल द टाइम द रिजल्ट सीजन इज ओवर, और उसके बाद देखेंगे कि क्या रूप बाजार अपनाएगा, लेकिन ओवरऑल रेंज बाउंड लग रहा है यहां से। वो फिर रेंज क्या होगी? वेल आई थिंक 8,500-600 ऊपर में लग रहा है और नीचे में लग रहा है कि शायद 7,800 to 8,000 हो जाए। दिस इज व्हाट द रेंज, दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। लेकिन यहां से कोई जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जो पहले राउंड ऑफ जो नी जर्क बाइंग था, जो ओवर ऑप्टिमिज्म था, नाउ दैट इज गिविंग वे टू मोर रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ द स्टॉक मार्केट। जैसे अर्निंग्स डाउनग्रेड्स आ रहे हैं ओवरऑल इंडेक्स के भी, तो पीपल विल प्रिफर टू वेट एंड वॉच। और यहां पर ये जो FIS का बाइंग था, जो अब तक काफी पॉजिटिव था और पिछले 1-1.5 महीनों से जरा निगेटिव चल रहा है, जो कुछ भी पॉजिटिव देख रहे हैं वो शायद कोई बल्क डील में हो गया हो, बट अदरवाइज FI के जो आउटफ्लोस दिख रहे हैं उस हिसाब से भी लग रहा है कि बाजार के ऊपर प्रेशर लगातार था और शायद आगे चल के भी थोड़ा बहुत बना रहेगा। टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज न्यूट्रलाइज बाय द डोमेस्टिक फ्लोस। लेकिन क्या ये डोमेस्टिक फ्लोज वाकई में बाजार को और सहारा दे पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है अब तक जो भी FIIs ने बिकवाली की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने उसके सामने आके खरीदारी की है, लेकिन क्या उतना पैसा इस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अब भी लगाने को तैयार होंगे, और रिटेल निवेशकों को फिर इस ऐसे एनवायरमेंट में क्या करना चाहिए? इज इट बेस्ट टू गिव योर मनी टू अ म्यूचुअल फंड हाउस एज अगेंस्ट कि आप खुद स्टॉक पिकिंग करें? दो चीज है कि अगर कि ये डोमेस्टिक फ्लोस क्या स्लाइड को अरेस्ट कर सकेंगे, जिस तरह से हमने पिछली बार देखा अभी कि 9,100 से जो 8,000 तक जो निफ्टी आ गया उसमें लगातार डोमेस्टिक का बाइंग था लेकिन FI का सेलिंग था, तो FI डोमेस्टिक इतनी एग्रेसिवली बाय नहीं करते हैं। और जहां तक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है यस दे हैव टू गिव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर मनी टू द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी और जिस तरह से मार्केट एक एक मोड पे खड़ा है, मुझे लगता है इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट। तो एक 50-60% ऑफ द मनी शुड गो टू द म्यूचुअल फंड्स इफ यू वांट टू प्ले इन द इक्विटी। लेकिन अगर डायरेक्टली इक्विटी खरीदना हो तो उस लिहाज से कुछ सेक्टर्स और उन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ दिलीप जी। ये बताएं कि क्या IT सेक्टर करेक्शन के बाद पॉजिटिव नजर आ रहा है, खासतौर से कल कॉग्निजेंट ने जिस तरह से रिजल्ट दिए और गाइडेंस दिए उसके बाद? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको यहाँ पर? वेल आई थिंक ये जो IT सेक्टर में इस IT के पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मार्केट जो वैल्यूएशन पे खड़ा है वहां पर अभी भी इन्वेस्टर एक जगह ढूंढ रहा है जहां पर वो थोड़ा बहुत सेफ हो सके, थोड़ा बहुत हाइड कर सके और थोड़ा बहुत रेजिलियंस मिल सके। तो ये IT सेक्टर जरूर एक जिस तरह से उसमें करेक्शन भी आ गया है अब और अक्रॉस द बोर्ड, तो ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम दिस लेवल वन शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द IT सेक्टर। और मुझे लगता है कि उसमें कॉन्सेंट्रेट करने में वही होगा कि एक फ्रंट लाइन में अगर आप देखो तो इन्फोसिस है, और अगर आप जरा फ्रंट लाइन में एक टेक महिंद्रा भी काफी ठीक लग रहा है, और सेकेंड लाइन में लग रहा है कि माइंडट्री काफी अच्छा रहेगा, और थोड़ा जरा और हटके लेना है तो एम्फेसिस शुड बी वेरी गुड आप यहाँ पर। लेकिन जो एक्टिविटी और एक्शन देखा गया पिछले 2 दिनों में रिटेल स्पेस में, जहाँ पर एक तो आदित्य बिरला ग्रुप में पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ रिटेल बिजनेस का, दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल और फ्यूचर ग्रुप ने हाथ मिला लिए हैं। दो एंटिटीज यहाँ पर खड़ी होंगी, एक फ्रंट एंड संभालेगी, एक बैक एंड होगा फ्यूचर ग्रुप के लिए। क्या आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है, एक रीरेटिंग ऑफ सॉर्ट्स होगी इन डेवलपमेंट्स के बाद इंडियन रिटेल स्पेस की, या फिर एक मौका ही है उन निवेशकों के लिए जो पैसा लगाकर काफी समय से तगड़े रिटर्न्स के लिए का इंतजार कर रहे थे, अब एग्जिट मिलेगा? मेरा ये मानना है कि ये कंसोलिडेशन जो हुआ है ये बहुत नेसेसरी था और बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेशन हुआ है। कि अगर आप देखो कि फ्यूचर ग्रुप ने भारती के साथ जो टाइप कर लिया है,
तो मुझे लगता है कि भारती इस परस्यूड टू बी कैश रिच और इस रिटेल में पैसा काफी लगता है, तो ये दोनों का कंसोलिडेशन बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा इन फ्यूचर। और ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल, वन शुड बाय इवन फ्रॉम द करेंट लेवल्स। मे बी ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months वन कैन सी 60 to 70% अप्रिसिएशन। उसी तरह से अगर आपने बिरला ग्रुप का भी देख लिया तो जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें जरूर बाय करना चाहिए। अभी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपके पास एक रिलायंस है, बिरला है, और अभी फ्यूचर और भारती, तीनों बहुत तगड़े हैं, तीनों के पास काफी पैसा है, दे कैन इन्वेस्ट एंड दे कैन कैप्चर द मार्केट शेयर्स। मुझे लगता है ये तीनों, इट इज वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलरली फॉर दीज स्टॉक्स विच आई जस्ट सेड। बैंकिंग शेयरों में कहीं खरीदारी के मौके दिख रहे हैं दिलीप जी आपको? वेल, बैंकिंग में अभी भी पीएसयू के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और पीएसयू के रिजल्ट्स शायद ये एक लास्ट मौका मिलेगा जहां पर आप वो रिस्ट्रक्चरिंग सीडीआर का जो आप कर सकेंगे, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, तो शायद उसी वजह से शायद ये पीएसयू बैंक्स में अभी भी द रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स काफी एक्सपेंडेड नजर आएंगे। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक शायद रिजल्ट के बाद एक मौका दे दे लेने का, तो उनको जरा वेट करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक तो ऑफ कोर्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, और येस बैंक जरूर बाय करना चाहिए, एंड फोर्थ बैंक विल बी द फेडरल बैंक। तो ये राय आती है इन सारे बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स अगर आप खरीदना चाहें तो नतीजों के बाद खरीदें, और प्राइवेट बैंक्स अभी भी खरीद सकते हैं। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिडनी से आवाज के लिए वक्त निकालकर आज सारे सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। और बाजार कल की मजबूती के बाद आज थोड़ा सा ठहरते हुए डायरेक्शन की तलाश में, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, लेकिन मिड कैप और बैंक निफ्टी में मजबूती बरकरार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन नजर रहेंगी क्या